सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लेट्रा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुडिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर नगर में विधि कार्यक्रमों की रही धूम। महान विभूति को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। विभिन्न वाम दलों ने संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत जुलूस निकालकर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में ऑटो सवार अपराधियों ने मजदूर को लूटा। भाग रहे अपराधियों को पकड़कर स्थानीय लोगों ने दी धुनाई और पुलिस को हवाले कर दिया। और सोशल मीडिया पर फैले गए बंद के संदेश से भयाक्रांत रहे लोग। बैडिया और गोला मंडी में दोपहर तक छाया रहा सन्नाटा। और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में ऑटो पर बैठे एक मजदूर को लूटकर भाग रहे ऑटो सवार अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने उसकी धुनाई कर तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अगर आप ऑटो पर सवारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। हो सकता है जिस ऑटो पर आप बैठे हों उस पर अपराधी भी सवार हो, जो मौका मिलते ही आपको लूट का शिकार बना सकते हैं। शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड में इलाहाबाद के निवासी एक ईंट भट्टा मजदूर के साथ कुछ ऐसा ही घटना घटी। वह जिस ऑटो पर बैठा था उस पर पहले से ही सवार सब के सब अपराधी थे। मौका मिलते ही ऑटो सवार अपराधियों ने इस मजदूर को लूट लिया और भागने लगे। यह संयोग ही था कि मजदूर को लूटकर भाग रहे ऑटो सवार तीनों अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्टेशन से बाहर निकले, बाहर से तो पकड़ रहे थे। हाँ, तो ये हम उनसे पूछे कि भाई चल रहे हो क्या है? बोले कि हाँ बैठ लो। इस पर तीन आदमी थे। हाँ, हमको बैठा लिए। कुछ दूरी जब निकल के आए जहाँ बक्सा बनता है पेटियाँ, उसी के सामने हमसे कहने लगे कि हमारी पलटी हो रही है। पलटी करने के बावजूद हमारा कार्ड और हमारा पैसा ले लिए और हमको कुछ दूर जा करके उतार दिए। और हम उनसे आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। ये बेचारा गया तो हमको बैठा करके इनके टेम्पू पे पकड़ा। तो हमारा कार्ड और सब कुछ यहाँ बरामद हुआ। पैसा भी छीना था? हाँ, पैसा भी छीना है। हाँ, 1000 वो कार्ड था हमारा। मारपीट भी किया? मारा नहीं हमको भाई। कैसे छीना है? अरे जेब से निकाल लिया। और कैसे? पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि की और स्वीकार किया कि नगर में ऑटो चलाने वालों में अपराधी गिरोह के सदस्य भी शामिल हैं और मौका मिलते ही यात्रियों को लूट ले रहे हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे की घटना है। एक ईंट भट्टा के मजदूर था, वो यूपी का रहने वाला है, भानु प्रताप नाम है। ट्रेन से उतरा था, ऑटो ने जो पैसेंजर को बैठा करके लूटने वाले बदमाश गिरोह से ऑटो में बैठा लिए अस्पताल रोड में। उसके पॉकेट से जबरन 1000 रुपया और उसका उसी रुपया में उसका आधार कार्ड था लेकर के फिर उसको धक्का दे करके उतार दिए। वो आदमी जो है बाहर जब गिरा तो उसके बाद उसने चिल्लाया। तो एक विनोद यादव नाम के व्यक्ति हैं जो सुनहरा के रहने वाले हैं, बाइक से थे। उन्होंने हिम्मत का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को बाइक पर बैठा करके और ऑटो का पीछा किए और टावर के पास में उसको घेर लिया गया। वहीं पर टावर में से हमारी पुलिस की ड्यूटी में थी, हम लोगों ने जाकर के उनको पकड़ा। तो उनके बताए अनुसार जब हमने उनको सर्च किया तो उसके जेब से 1000 रुपया, 500 का नोट उसने पहले बताया था और उसका आधार कार्ड उसके पास से बरामद हुआ। और तीनों शराब पिए हुए थे और तीनों के गाड़ी ऑटो में 3 बोतल शराब भी बरामद हुआ। मैं ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बालेश्वर ठाकुर मार्ग में काजल कुमारी नाम की महिला द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने का घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया कि आखिर काजल ने आत्महत्या क्यों की, यह बात उनके समझ में नहीं आ रही है। परिजनों के अनुसार दोपहर को काजल अपने कमरे में बंद हो गई और फांसी लगा ली। हम की जा रही है, हम तो हिया रहे थे। हाँ, तो की सुन लिया? रोए लड़का कहे लड़की बनने है, फांसी लगने चाची गे दाई गे तो गे लिए ना। हम की जाने गे लिए कुछ झगड़ा उगड़ा लड़की पहले से ना किचन उसे से गए चाची वाले काम पर। अच्छा,
दोनों भाई। अच्छा कोई नहीं, हम तो बिना टंगनो न आई के लिए जी कोई बात न। मैंने की कारण कुछ जानकारी न है कहला फांसी लगा ले लिया का जानिए ओकर की मन में रे खेल के हन पिल के हन बर्तन बासन तो मल लगे सब काम के ने है आ तो बेहन काम कर के चाहते भाई गले काम पर। उधर राजमिस्त्री अशोक शर्मा की पत्नी काजल कुमारी द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की मिली सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने कमरे में मृतका का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा का टाइम हम लोग क्रिकेट खेले ठीक है, मेरा छोटा भाई गया कि भैया चाची फांसी लगा ले ले क्योंकि मैं गया देखने रो रही थी ना बउआ छोटकी रो रही थी भैया मैं देखा खिड़की से क्योंकि मैं देखा तो पहले रखा हुआ था टी शर्ट से टोपी हुई थी खिड़की हटाया ना भैया बाहर से उसके बाद देखी तो फांसी लगा चिल्लाया तो हमको दौड़ के आया कहने वहाँ से आया तो हम लोग सब बोला देखा बचल ही कथी तोरे तुम्हारे देखे फांसी लगाएगी पूरा विवाद हुआ था क्या? ना कुछ नहीं। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप स्थित SBI के ATM को अपराधियों ने क्षतिग्रस्त कर लूटने का असफल प्रयास किया। नगर में सक्रिय ATM लुटेरा गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात ATM लुटेरा गिरोह ने कच्ची पक्की स्थित SBI के ATM को क्षतिग्रस्त कर लूटने का प्रयास किया। हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। उधर अपराधियों द्वारा ATM को निशाना बनाए जाने को लेकर आम नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी मिली है जो ATM का कवर जो है मेन खोल दिया गया है, कैश वगैरह तो नहीं, उसका लॉक नहीं टूटा हुआ है, कैमरा तोड़ दिया है, बस जो गार्ड रूम है उसको तोड़ दिया गया है, उसका भी गेट जो है खुला हुआ है, लेकिन बैटरी वगैरह इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है, सब कुछ नहीं ले गया। मेन यही है जो इसका कवर जो है पूरा है लेकिन पैसा नहीं निकाल पाया है, मेन जो होता है वो नहीं खुल पाया है। किसके द्वारा सूचना दी गई है? हमको तो अभी हमारे SHO साहब फोन करके बताए थे जिस तरह की बात है, उनको भी बताया होगा। कुछ कैमरा वगैरह में आप पकड़े हैं? नहीं अभी तो पता सूचना ही मिली है, अभी तो सूचना ही मिली है, हम दिखवाते हैं। तो बैंक वाले को सूचित किया गया? हाँ बैंक वाले को सर जो है बता चुके हैं। कैश उसका भी निकालने का? नहीं कैश नहीं निकला है, कैश वो भी लॉक ही है, प्रयास किया है लेकिन टूटा नहीं है। विभिन्न वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत नगर में जुलूस निकाला। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को विभिन्न वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में किए जा रहे छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध करते हुए संघ भवन सदर अस्पताल रोड से जुलूस निकाला। संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत निकाला गया यह जुलूस संभरणालय परिसर पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल सभी वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित किया और खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सभा की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश के संविधान बदलने की जो साजिश चल रही है उसे वाम दल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 126वां जयंती है, इस अवसर पर तमाम संयुक्त वाम दलों की ओर से यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर माल्यार्पण होगा और देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ने की जो संघीय साजिश चल रहा है आज इसके खिलाफ हर जगह पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान हमारे देश के लिए एक मैंने कही कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैंने कही कि इतिहास है और इसको छेड़छाड़ किया जाएगा, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनुस्मृति को देश में लागू नहीं होने देंगे, SC ST कानून को जो संशोधन करने की जो कोशिश है हमारी मांग है उस संशोधित किए गए उसे वापस लिया जाए और पुनः बहाल किया जाए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैंने कही कि चीजों को बहाल रखा जाए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संग्रहालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। संविधान निर्माता और जीवन भर समरस समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर संग्रहालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसके पश्चात तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त एचआर श्रीनिवास, डीएम धर्मेंद्र सिंह, डीआईजी अनिल कुमार सिंह, एसएसपी विवेक कुमार, डीडीसी शैलजा शर्मा सहित अन्य जिला एवं पुलिस के पदाधिकारियों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही वक्ताओं ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा भी की। भीमसेना के सदस्यों ने अनोखे अंदाज में बाबा साहेब की जयंती मनाई। इस अवसर पर भीमसेना सदस्यों ने नगर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती को भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने अलग तरीके से मनाया। इस अवसर पर भीमसेना के सदस्यों ने नगर में जुलूस निकाला और जगह जगह रुक रुक कर जय भीम का नारा बुलंद करते दिखे। इस जुलूस के माध्यम से भीमसेना के सदस्यों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बाबा साहेब की 127वीं जयंती पर कांग्रेस पार्टी और जन संघर्ष मोर्चा के कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी जिला अध्यक्ष सूरज दास की अध्यक्षता में बाबा साहेब की जयंती मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों को कायम रखने का संकल्प लेते हुए उनके तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर बाबा साहेब के सिद्धांतों और नीतियों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। मोदी जी ने वो खुद गलती किया और इन्होंने तो आज नहीं, मोदी जी आज आए हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय मोदी जी नहीं थे और वो जो है तो खुद इनका लाभ उठाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आज का ये बाबा भीमराव जी का ये कहानी नहीं है, इतिहास नहीं है। वो देश आजाद हुआ उसके पहले से उन्होंने देश के बारे में अपने समर्पित किया और उन्होंने देश के हित में जितना हुआ उन्होंने किया, जो आज हिंदुस्तान गवाह है। उधर जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कल्याणी चौक पर केक काट कर बाबा साहेब की जयंती मनाई और सभा का आयोजन कर बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। आज मुजफ्फरपुर शहर में जन संघर्ष मंच द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 वर्तमान मध्य प्रदेश के महू छावनी में जन्म हुआ था। बाबा साहब के पिताजी का नाम राम जी सकवाल और मां का नाम भीमाबाई थी। बाबा साहब भीमाबाई जी के 14वें और अंतिम पुत्र थे और आज हम लोग इस कल्याणी चौक पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं और जयंती के शुभ अवसर काफ़ी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का निर्णय लिए हैं। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर मलिन बस्ती के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के शुभ अवसर पर रामदयालु सिंह महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों के द्वारा दलित बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विजय कुमार, आरएसएस के विभाग बौद्धिक प्रमुख रामेश्वर पासवान, पूर्व पार्षद बत्ती सह समाज सेवी केसरी नंदन शर्मा, विश्वविद्यालय संयोजक अवभिप मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पण कर किया गया।
कार्यक्रम संचालककर्ता के तौर पर रामदयालु सिंह महाविद्यालय की उपाध्यक्षा हंसा भारती ने किया। कार्यक्रम में बजरंग दल के जिला संयोजक संतोष रंजन जी, अविप के श्रीराम वर्धन जी, पुरुषोत्तम जी, राहुल जी, आशीष राज, सूरी आदि उपस्थित रहे। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीबीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बीबीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में हम किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती है। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 7635091378, 7635091387, 7635091396. Genius, naam hi pehchan hai. Main UFP India ki awaaz banungi. I am a Mount Litron. मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरल। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरल। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवार्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स वैदिक स्कूल। बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955456278544077116, 8544077116।
बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अगरोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.nuz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर R9334900888 9234900888 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है, जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद 1983 ईस्वी में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, चंदवारा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ CBSE पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातजा किराम की टीम, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरओ पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खुसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से BSEB क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर CCTV कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हजरत अली एकेडमी अपनी नौयत के एतबार से वाहिद इदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खुसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस इदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिल्ली मफाद के लिए वजूद में आया है, और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीजे को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुर वर कामयाब हो सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन गौशाला रोड स्थित PMG कार्यालय सभागार में संपन्न हो गया। अखिल भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ की द्विवार्षिक अधिवेशन शनिवार को पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय सभागार में हुई। अधिवेशन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी परेशानी प्रशासनिक पदाधिकारियों के सामने रखी, साथ ही पदाधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का हल निकालने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा संगठन ने 2 वर्षों में क्या क्या कार्य किया उसकी भी समीक्षा की गई। प्रशासनिक कर्मचारी संघ का सी और MTS का रीजनल ऑफिस है ये मुजफ्फरपुर, उसका द्विवार्षिक अधिवेशन है। ANFP के तहत जो संगठन है उसके तहत हर एक रीजन में, जैसे अभी बिहार में 3 रीजन है, मुजफ्फरपुर रीजन है, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, भागलपुर है।
और एक सेंट्रल इंजन है। वो सेंट्रल इंजन में जो सर्किल होता है वो पूरा एक सर्किल होता है। इस इंजन में जो पीएमयू होते हैं उसमें संगठन का यूनियन होता है और यहाँ होता है। उसी में आज यहाँ द्विवार्षिक अधिवेशन इसका है और इसी अधिवेशन में यहाँ जितने आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर हमारे एनएफपी के भाई लोग हैं और हमेशा इस जो यूनियन का मीटिंग होता है जो दो वर्षीय इसमें जो विगत दो साल में संगठन ने क्या काम किया, कैसा काम किया, डिपार्टमेंट का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, डिपार्टमेंट कौन कौन सा नया स्कीम लेके आ रहा है, उस स्कीम के तहत हमारे स्टाफ को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रशासन उसके बारे में क्या देख रहा है, आने वाले समय में यूनियन की कौन सी ऐसी मांगे हैं जो कि प्रशासन को अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। आने वाले समय में कौन अगला पदाधिकारी होंगे वो सब का इसमें सिलेक्शन होता है और इसके तहत में एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आते हैं, लेकिन आज पी एम साहब नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि पी एम जिस समय सर की प्रेसिडेंसी हूँ तो इस द्विवार्षिक अधिवेशन पटना में भी होता है हर एक दो साल पर, उसमें चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पी एम सभी करते हैं, आज यह नहीं है। जिले में बढ़ते अपराध और पुलिस की निष्क्रियता के विरोध वार्ड पार्षद नंद कुमार साह उर्फ नंदू बाबू नगर की जनता के साथ 16 अप्रैल को भूख हड़ताल करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में अराजकता का माहौल और शहर के प्रमुख स्थानों पर भू माफियाओं द्वारा गुंडा तत्वों एवं पुलिस सहयोग से भूमि पर कब्जा करने के विरोध में वार्ड 46 के पार्षद तथा समाज सेवी नंद कुमार साह 16 अप्रैल को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला प्रशासन के विरुद्ध एक दिवसीय उपवास करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान नंदू बाबू ने ये भी कहा कि जिले में आपराधिक घटना लगातार हो रही है और पुलिस मुख्य दर्शक बनी है। जो कह रहे हैं यही तो मेरी भी समस्या है कि जिले में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, छिनतई की, लूट की, अपहरण की, हत्या की, इसके प्रति पुलिस का एक्शन, पुलिस की जो कार्यशैली है ये एकदम अकर्मण्य की स्थिति में है, निष्क्रिय स्थिति में है। पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध हो रही है, इसलिए वहाँ अभी तक रंजन पांडे के पास पुलिस नहीं पहुँची है, इसलिए कि अपराधियों को संरक्षण पुलिस के द्वारा मिलता है और हो सकता है कि इसमें भी जो अपराधी संलिप्त हैं उसको भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए भी पुलिस इस कांड के प्रति अभी निष्क्रिय है। इस कांड के उद्भेदन में, किसी भी कांड के उद्भेदन में पुलिस का कोई सक्रिय रोल नहीं रहता है, कोई उसकी दिलचस्पी नहीं होती है, बल्कि उसकी दिलचस्पी भू माफियाओं को, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने में, भूमि पर कब्जा, अवैध कब्जा दिलवाने में और ये सट्टा बाजार चलवाने में, शराब के बिक्री मामले में, इन सब मामलों में पुलिस का सहयोग असामाजिक तत्वों को मिल रहा है और वैसे असामाजिक तत्व जिनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, इन सब सारी आपराधिक घटनाओं के प्रति वैसे ही असामाजिक तत्व हैं जिनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। एकदम निश्चित रूप से पुलिस अपराधी गठजोड़ बहुत बड़ी भूमिका में है। ये पुलिस अपराधी गठजोड़ नहीं होता तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति है पूरे जिले में, इतनी आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति आवृत्ति नहीं होती। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले समय में जब आर एस भट्टी हुआ करते थे यहाँ के SP, जब दीपिका सूरी हुआ करती थी ASP, तो जिले में एक भी अपराधी कहीं सड़क पर नहीं दिखते थे, ना कोई अपराधी घटनाएं होती थी। लेकिन ये सुशासन की सरकार में, बिहार की सरकार में इतने अपराधी घटनाएं हो रही है, फिर भी बिहार सरकार और इसके तमाम आला अधिकारी कान पर ये बारापन लगा करके अभी तक चुप बैठी हुई है, इस पर कोई इसका ध्यान नहीं जा रहा है। यही आकृष्ट करने के लिए कि जो पुलिस और अपराधी का गठजोड़ है, इसके प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिए, बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन के उच्चाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठ रहे हैं। इसके बाद भी नहीं सुनी गई तो अनिश्चितकालीन उपवास का भी हमारे पास ये अल्टरनेटिव जो है हमारे पास बचा हुआ है, उस पर भी हम विचार करेंगे। नया टोला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन परमंडलीय आयुक्त और DM ने संयुक्त रूप से किया। नया टोला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का शनिवार को समारोह आयोजित कर स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त HR श्रीनिवास और DM धर्मेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया।
इस अवसर पर छात्रों के बीच खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, साथ ही प्रतियोगी छात्रों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सोशल मीडिया पर 14 अप्रैल के बंद का फैलाए गए संदेश को लेकर लोग सशक्त रहे, इस आशंका के कारण बैरिया और गोला मंडी में वीरानी छाई रही। सोशल मीडिया पर 14 अप्रैल को भारत बंद का फैलाए गए संदेश पर भारत बंद तो नहीं हुआ लेकिन नगर के कुछ इलाके में इस संदेश का सीधा असर दिखा। नगर के बैरिया बस पड़ाव इलाके में शनिवार को सन्नाटा छाया रहा और दोपहर से पहले तक इलाके की दुकानें भी बंद रही। हालांकि दोपहर बाद स्थिति धीरे धीरे स्वतः सामान्य हो गई। सोशल मीडिया पर फैले बंद के मैसेज का नगर के गोला मंडी में भी असर देखा गया। इस इलाके में भी दुकानें काफी देर तक बंद रहीं और सड़कों पर वीरानी छाई रही। हालांकि दोपहर बाद स्थिति स्वतः सामान्य हो गई। जम्मू और उन्नाव में हुए दुष्कर्म तथा भारत बंद के दौरान 10 अप्रैल को ही दलितों की हत्या के विरोध में जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला। जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के सदस्यों ने जम्मू कठुआ एवं उन्नाव में हुए दुष्कर्म तथा 10 अप्रैल आंदोलन में हुए दलित की हत्या के विरोध में कैंडल जलाकर मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस चंदवाड़ा से होकर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंची, जहां कैंडल को स्मारक पर रखकर सभी को श्रद्धांजलि दी गई। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।